साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस टीम अंतरेडी चैनल पे। साथियों, यूपी TSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक अच्छी खबर डीबी के लिए निकल के आ रही है। जो लेखपाल संघ है उसकी तरफ से एक अध्याचन, एक ज्ञापन सचिव जी की तरफ सौंपा जाएगा। अभी सौंपा नहीं गया है, लेकिन ये सौंपा जाएगा। इसके बारे में सूचना मिली है कि ये जो ज्ञापन है वो सचिव को सौंपा जाएगा, उत्तर जो UP SSC के सचिव उनके लिए। इसमें हुआ क्या है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास में जो डिपार्टमेंट राजस्व विभाग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, लेखपालों की जूझ रहा है, और जो नई भर्तियां हैं वो भी अभी आपने अटका दी हैं बीच में, धर में, क्योंकि अभी तक डीबी की प्रोसेस भी नहीं चल रही है। तो उनकी सबसे बड़ी मांग है कि डीबी की प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू की जाए। अब देखो, जैसे सचिव ने, मैंने एक दिन आपको बताया था, सचिव ने ये कहा था कि पहले JEE 2018 का DB होगा, उसके बाद लेखपाल का DB होगा अक्टूबर के समथिंग में, ठीक है, अक्टूबर में शुरू होगा। अगर अक्टूबर में शुरू होगा तो ये साल तो भरी परीक्षा, फिर तुम्हारे को जॉब नहीं मिलने की है, तो प्रोसेस ज़्यादा लेट हो जाएगा और वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इसमें लेखपाल के अंदर। तो इसी के चक्कर में जो लेखपाल संघ है उसकी पुरजोर मांग है कि DB जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, जुलाई में अगस्त में शुरू किया जाए, जिससे आने वाले जो नए लेखपाल हैं उनकी भर्ती हो, और नए लेखपाल की भर्ती हो जाएगी तो क्या होगा, तो जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा उनके लिए, थोड़ा सरदर्दी कम हो जाएगी, ये बात है। तो सचिव को अभी पत्र ज्ञापन सौंपा जाएगा, और आज सौंपा जाए, कल सौंपा जाए, तो ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। और देखो, ये चीज़ अगर ये सौंपी जाती है उनकी तरफ से तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। रीज़न क्या है, तुम करोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग है, और जो सरकारी कर्मचारी है वो करता है उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, ये बात मान के चलना हम। अगर ये अच्छी बात तो यही है कि अगर हमें जुलाई में स्टार्ट हो जाए इसका DB, तो इससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन क्या ये JEE के पहले इसका DB स्टार्ट हो सकता है? लोगों ने, छात्रों ने कहा था कि रिजल्ट इसका, तुम्हारा JEE का रिजल्ट बाद में आएगा और तुम्हारा लेखपाल का रिजल्ट पहले आया है, तो उन्होंने कहा कि भर्ती ही पुरानी है JEE की, इसलिए हम DB इसका पहले करा रहे हैं, इसका DB बाद में कराएंगे, ये कारण था इसका, ठीक है साथियों। तो ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर वो मांग ज़्यादा करेंगे, वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो ये DB इसका पहले भी हो सकता है लेखपाल का, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने बता दिया क्यों है, राजस्व विभाग में लेखपालों की भारी कमी है, और एक एक हलके को, मतलब 4-4, 5-5 हलके को एक एक लेखपाल देख रहा है, तो इससे भारी कमी है। दूसरा, यही 8085 पद ही, जो 8085 पद हैं, यही भर्ती को पूरा नहीं कर देंगे या ये कमी पूरा नहीं कर देंगे, इसमें बहुत सारे भर्तियाँ और भी रिक्त हैं राजस्व विभाग में, और सारी भर्तियां रिक्त हैं, वो भी भर्तियां जो हैं, जो भर्तियां रिक्त हैं उन पे भी काम चल रहा है, उनके भी देखो अध्याचन तो 4,500 का पहले ही आ चुका है UP SSC में, लेकिन इसमें कुछ भर्तियां बढ़ सकती हैं राजस्व विभाग में, कैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो ये नई जो लेखपाल भर्ती है, मुझे लगता है कि ये पैट 2022 से ही आ सकती है, अगर ये तुम्हारा, जो तुम्हारा जैसे ये क्या नाम है, ये 2024 का इलेक्शन देखेंगे ये लोग, तो ये पैट 2022 से ही दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में पैट 2023 से तो आनी है ये, ठीक है, लेकिन पैट 2022 से आ जाएगी। 4,500 पदों पे लगभग भर्ती होनी है, 5,000 मान लो आप, इसमें बढ़ भी सकते हैं पद थोड़े बहुत, लेकिन 4,500 से 5,000 पद हो सकते हैं। तो नई पैट से लेखपाल भर्ती का भी तैयारी करते रहो आप। दूसरा, जिनका DB है वो तैयारी कर ली होगी उन्होंने, DB के लिए आप भी एक दो बार दबाव बनाओ, UP SSC जाओ, मतलब कुछ 10-20-50 लोग जाओ, तो उस पर दबाव बनाओ कि सर हमारा DB अभी तक रिजल्ट दबाव में रिजल्ट दे दिया इन लोगों ने। देखो, DB का रिजल्ट इन्होंने दबाव में दिया, लेकिन उसके बाद ये भूल गए कि DB भी कराना है, तो DB को उन्होंने, जब तक DB के कुछ लोग गए वहाँ पर, तो DB में क्या तर्क दिया कि JEE 2018 की भर्ती पुरानी है, इसलिए JEE 2018 का DB पहले होगा और लेखपाल का DB बाद में होगा, तो इन्होंने ये भी टाल दिया, तो अक्टूबर हम बता रहे हैं। लेकिन ये अगर ये तुम्हारा राजस्व, जो तुम्हारा संघ है, लेखपाल संघ है, अगर ये दबाव बनाता अच्छा खासा, तो इसका DB पहले हो सकता है और आपको ज्वाइनिंग दिसंबर तक मिल सकती है, ठीक है, अगर ये दबाव बनाता है, क्योंकि दबाव बना रहा है, उनको कमी खल रही है तभी तो बना रहा है, और आपसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप भी दबाव बना के रखिए और DB के लिए अभियान चलाते रहिए, ट्विटर अभियान वगैरह, और एक दो बार जाके सचिव से, तुम्हारे अध्यक्ष जी से मुलाकात करिए, सर हमारा DB कराइए, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम गए तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बात बोली, क्या बात सुनी है हमारी, क्योंकि उनके अनुसार वो बोलेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो आप एक आध बार जाइए, और जो लोकपाल संघ है वो तो दबाव बना ही रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा, तो ये DB इसका जल्दी होगा और इसकी प्रोसेस जल्दी खिंचेगी, ठीक है। और मुझे अंदाज जहाँ तक है इसका DB प्रेशर के बाहर ही होगा, UP SSC में नहीं, पिकअप भवन में नहीं होगा, पिकअप भवन के बाहर ही इसका DB होने वाला, जो DB
होगा वो बहुत जल्द कंडक्ट कर दिया जाएगा और इसमें 30 से 40 दिन का ही वक्त मेरे हिसाब से होगा, अन्यथा की स्थिति में 4 से 5 महीने जाएंगे अगर पिकअप भवन में ही होने वाला है इसका डीबी तो। ठीक है, तो 2-3 जो मुद्दे हैं मैंने बता दिया आपको। जेई से पहले आपका डीबी बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्रेशर बनाओ, आप भी प्रेशर बनाओ, दोनों तरफ से प्रेशर बनना चाहिए तभी पॉसिबल है। और लेखपालों की भारी कमी है राजस्व विभाग में, ये तो आप जानते ही हो पहले से ही, और नई जो लेखपाल भर्ती है वो भी इसी पेट से आने की पूरी संभावना है, या अन्यथा की स्थिति 2023 से तो आनी आनी है ये। ठीक है साथियों, धन्यवाद।